आपने किताबें लिखी हैं, कविताएं काफी सारी लिखती हैं आप, तो क्या आप मतलब जिस कितना प्रेरित करती है आपको हिंदी कविताएं और भाषा, अगर मैं जी पूछूं एक कवित्री के तौर पर, एक लेखिका के तौर पर, आपको भाषा और हिंदी भाषा खासकर जो कविताएं कितना प्रेरित करती हैं, प्रभावित करती हैं? बहुत करती हैं। हिंदी भाषा को पढ़कर बचपन से ही उसी को पढ़कर लिखना सीखा है, उसी को पढ़कर बल्कि पहले पाठक होना सीखा, फिर थोड़ा बहुत लिखना सीखा, और अभी भी मतलब शुरुआती तौर से जब छोटी थी तब से जो पढ़ रही हूँ, बाल कविताओं से जो शुरुआत की या बाल कहानियों से जो शुरुआत की, तो धीरे 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 बढ़ते 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 अपने इस समय के श्रेष्ठ साहित्यकारों को पढ़ते हुए, और इवन फेसबुक पे भी जितने जो कवि हैं जो आजकल लिख रहे हैं, सभी लोग जी प्रेरित करते हैं, क्योंकि सभी की अलग भाषा है, अलहदा उनका अंदाज है भाषा को बरतने का, कहने का, तो कोई एक चीज नहीं, धीरे 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 ये बरसों का सफर है जो अब थोड़ा बहुत लिखाई में झलक रहा है। जी नहीं, बहुत बेहतरीन जिस हिसाब से आपकी कविताएं और जो शब्दों का उसमें चयन है, उर्दू के शब्द है, कहीं कहीं हिंदी के शब्द है, और बहुत बोलचाल की भाषा में आपने बड़ी सटीक बात की अपनी कविता से। बड़ा मजा आया ये कविता सुनकर के। और कोई दूसरी कविता अगर आप सुनाना चाहें। हाँ, मैं अब आपको सुना रही हूँ वो कविता जो जिसकी पंक्ति आपने शुरू में उद्धृत की थी, तो जी 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 बिल्कुल। इसका शीर्षक है अगर कभी आओ लौटकर। दीवारें भुरभुरी हो चुकी होंगी शायद, खिड़कियों के हाथ बूढ़े हो चुके होंगे, छत के कमजोर कांधे हो रहे होंगे स्मृतियों का बोझ। मैं कोशिश करूंगी कि रुकूं तुम्हारे आने तक, पर ना ठहर पाऊं शायद। अकेले मकान से जल्दी जर्जर अकेला आदमी होता है, मगर आकाश के अनंत वितान पर उम्मीदें चमकती हैं, पेड़ों पर बुलबुल गाती है गीत प्रतीक्षा का, जाने वाला एक बार वापस लौटता है छोड़ी गई जगह पर किसी नामालूम वजह से। कहीं घर हमें भूल तो ना गया? अब भी किवाड़ों की आंखों में प्रतीक्षा का काजल है या नहीं? कहीं हम भी तो छोड़ नहीं दिए गए? खुद को प्रेमी की स्मृति में हमेशा दर्ज रखने की चाह एक निर्दोष चाह है, प्रेमी को विस्मृत कर देने के दोष के बावजूद। जीवन की सांझ में स्मृतियां भूखी वाघिन सी झपटती हैं, लिए फिरती हैं मुंह में दबोच कर अतीत के अरण्य में। तुम अगर आओ लौटकर तो बैठना थोड़ी देर दीवारों से टिककर, बगीचे में लगे गुलमोहर के नीचे बेंच पर एक टुकड़ा शाम का बिताना, तुलसी पर दिया लगा देना, पंछियों को दाना डालना। मैं शायद ना मिलूं, मैं शायद ना मिलूं, पर तुम घर के लिए सब करना, क्योंकि अकेला घर मरता नहीं आसानी से अकेले आदमी की तरह। खंडहरों में अधूरे इंतजार भटकते हैं हवा की रुलाई बनकर। तुम लौटना प्रिय, जरूर लौटना, तुम लौटना प्रिय, जरूर लौटना, दो प्रतीक्षाओं को मोक्ष देने के लिए।